और अब सितंबर के सितम का टॉप गियर जी, कहीं ज्यादा कहीं गम। भारत में हर ओर जारी है सैलाब का सितम, जिसकी वजह से पहाड़ टू मैदान मुसीबत खूब हाई है। इसने सितंबर में भी सैलाब की टेंशन बढ़ाई है। कुल मिलाकर के आसमानी आफत बनी हुई है सिरदर्द, और उत्तर से लेकर दक्षिण पूर्व से लेकर पश्चिम तक जारी हो चुका है सावधानी का अलर्ट। ऐसे में कहां जाए इंसान, कैसे खुद को बचाए, इंसान के लिए यही सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि तबाही अपने टॉप गियर में तांडव दिखा रही है, जिसके बाद बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड का फियर हर तरफ देखे कैसे नजर आ रहा है। तस्वीर नंबर एक, तस्वीर नंबर दो, तस्वीर नंबर तीन, तस्वीर नंबर चार, और तस्वीर नंबर पांच। इस बरस भद्रा ऐसे बरसे कि मौसम विभाग के अनुमान थरे के थरे रह गए। बारिश ने बीते सारे रिकॉर्ड ढेर कर दिए। जिससे पहाड़ से लेकर मैदान और रेगिस्तान तक हर तरफ हाहाकार मचा है। बस्ती में बहुत तेज बहाव पानी का, और कहीं इंसान सुरक्षित नहीं है। हर तरफ मकान भरभरा कर गिर रहे। पहाड़ टूट रहे, जमीन पर सैलाब का सितम इतना हाई है कि सितंबर ने मानो सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाई है। देखिए कैसे हर दिन पहाड़ से लेकर मैदान तक में आफत बरस रही है। इंसान कुदरत के कहर के आगे बेबस नजर आ रहा है। कहीं पहाड़ दरक रहे, कहीं तबाही मची, कहीं सैलाब ने रफ्तार पकड़ी है, तो कहीं शहर शहर, गांव गांव, सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है। कुल मिलाकर पहाड़ से मैदान तक आफत ही आफत है, तबाही ही तबाही है। इंसान करे तो क्या करे, कहाँ जाए, कैसे अपनी जान बचाए। गया 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 गया।
कहीं रिहायशी बस्ती में जलासुर ने आतंक मचा रखा है। कहीं पहाड़ों पर तबाही का सतम दिखाई, कहीं मोहल्ले की सड़क पर समंदर सा सैलाब बह रहा है। कहीं बैराज का पानी दहशत फैला रहा है, कारें, इंसान, मकान, भगवान सब डूबा डूबा नजर आ रहा है। अरे तू काई पहले 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 आयोगी नहीं तो हम मर तो या आज ही आई जब तू आज। कहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया। ले जा पर आ गाड़ी यार। पहाड़ से लेकर मैदान तक इस बार मौसम बहुत बेईमान नजर आ रहा है, क्योंकि आफत का सैलाब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मानसून ने रफ्तार का ऐसा गियर लगाया है कि जनजीवन बेहाल कर दिया है। एक एक तस्वीर बताने के लिए काफी है कि नदी से लेकर रिहायशी बस्तियों तक किस कदर कोहराम मचा है। और बस्ती वासियों को सब यात्रा निकालने में हो रही परेशानी। छोड़ो छोड़ो जल्दी जल्दी पहुंच सकते। पहाड़ पर कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक भारी बारिश। एमपी यूपी में बारिश से 24 घंटे में 34 मौतें। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद। 14 राज्यों के लिए अगले 3 दिन भारी। तबाही ने पहाड़ों में त्राही त्राही मचा दी। कोई पता नहीं था पहाड़ ऊपर जा सकता है। सुबह सुबह की है, बहुत दुखद घटना है। ये मलबा देखिए, इस प्रकार से सारा मलबा है बिल्डिंग के पीछे। ऊपर पीएमजेएसवाई की रोड है, खंचू टांडा रिखाकोट की रोड है। और ये देखिए खिड़कियों से आ रहा है। मुझे यहाँ पर फोटो स्टेट मशीनें थी, कंप्यूटर था, और ये अंदर से पानी आ रहा है। ये तो पहाड़ों पर कुछ ऐसा नजारा कि मानो एक बार फिर पहाड़ तरक रहे हैं। एक बार फिर मुसीबत के बादल उत्तराखंड और हिमाचल पर फटकर बरस रहे हैं। पश्चिमी हिमालय राज्यों से लेकर पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही, जिसका असर अगर पहाड़ों पर कहीं है तो वो उत्तराखंड। जहां बुधवार देर रात से लगातार हो रही बारिश के कारण खड़िया खान के पास भूस्खलन हुआ।
जिसकी वजह से खड़िया खान से 300 मीटर की दूरी पर स्थित मनगढ़ गांव के 6 घर ध्वस्त हो गए। मकान ध्वस्त होने के कारण स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल, गनीमत रही के खतरे के जद में आए मकानों को खाली करा दिया गया था, जिससे किसी के हताहत होने की खबर। इससे पहले देर शाम पंचायत घर भी भूस्खलन की चपेट में आने के कारण ध्वस्त हो गया। वही उत्तराखंड के चंपावत जनपद में भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही, जिसकी वजह से वहां भी तबाही की कुछ ऐसी ही तस्वीरें। चंपावत के भीगुराड़ा में पल भर में सड़क किनारे खड़ी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कुमाऊं में बारिश का तांडव किस तरह जारी है। अभी तक बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका है और अभी भी ये तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। कुमाऊं मंडल में 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही। चंपावत जिले में बुधवार शाम से मूसलाधार बारिश हो रही, जिसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। भारी बारिश के कारण चंपावत, देवीधुरा, हल्द्वानी हाईवे जगह जगह पर बंद हो गया, क्योंकि इन सड़कों पर सैलाब अपनी फुल स्पीड से कुछ इस तरह बह रहा है। भारी बारिश की वजह से लोहाघाट पिथौरागढ़ NH लगातार बाधित हो रहा। सड़क पर मलबा हटाने का काम जिला प्रशासन द्वारा तेजी से किया जा रहा है। वहीं बाराकोट के संतोला में लगातार पत्थर आने से रास्ता खोलने में रुकावट आ रही, क्योंकि पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने से हादसे का खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड में जगह जगह से ऐसी ही खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही, जहां तबाही का मंजर कुछ ऐसा है कि सड़कों पर जाने से डर लगने लगा। तस्वीरें देखिए, पुलिस मौजूद है ताकि कोई आगे ना बढ़े। इतनी देर में धीरे धीरे करके मिट्टी खिसकने लगती और अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर नीचे सड़क पर आ गिरता है। यह हादसा बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कमीटा के पास हुआ, जहां लगातार पहाड़ से पत्थर बरस रहे, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। यही नहीं, रास्ता साफ करने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड से हाईवे बंद पड़े, क्योंकि कई जगहों पर पूरी के पूरी सड़क ही गायब है, मानो पहाड़ पूरा टूट कर सड़क पर आ गिरा। ये भारी भूस्खलन भी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां देखिए रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है, न कोई आ सकता है न कोई जा सकता है। उत्तराखंड के ही रुद्रप्रयाग में सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच जगह जगह पत्थर गिरने से सड़क बंद हो गई। देखिए कैसे सोनप्रयाग पुलिस, NDRF और SDRF के जवान सड़क से पत्थर हटा रही और सड़क खोलने का प्रयास किया जा रहा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे वाकना घाट छौसा सड़क बंद हो गई। सड़क बंद होने पर लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा, जिससे लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही। देखिए कैसे स्कूल के छात्र और छात्राएं भी भूस्खलन के बाद कितनी मुश्किल से रास्ता पार कर रहे हैं। यहां से आते जा रहे हैं। बेटा गुड़िया आ जाओ, आ जाओ जल्दी जल्दी, बीच में मत रहो। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक कच्चा मकान धराशायी हो गया। 6 कमरों के मकान के गिरने का वीडियो भी सामने आया। धर्मपुर उपमंडल की संधोल तहसील के थलारा गांव में बुधवार को 6 कमरों का कच्चा मकान गिरकर ध्वस्त हो गया। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे जब मकान गिरा तो मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया। वीडियो में मकान गिरने का भयावह मंजर साफ दिखाई दे रहा है।
और नजर आ रहा है कि किस तरह से ये मकान ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गया। जानकारी के अनुसार ये मकान जानकी देवी का था और घटना के समय जानकी देवी मनरेगा मजदूरी के लिए गई थी और घर पर कोई मौजूद नहीं था। यदि घर पर कोई मौजूद होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। हल्द्वानी के सितारगंज स्टेट हाईवे में चोरगलिया के पास शेर नाले में भारी पानी आ गया, जिसके बाद पुलिस ने इस हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया। कुमाऊं मंडल में पिछले 24 घंटे से अधिक समय से भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, नैनीताल जिले के धारी ब्लॉक अंतर्गत खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पहाड़ से आए मलबा घुसने से भारी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि कार्यालय के पीछे से गुजर रही पहाड़ी और सड़क का मलबा टूटकर कार्यालय की खिड़की और दरवाजे से अंदर घुस गया, जिसके चलते भारी नुकसान हुआ। ये मलबा देखिए, इस प्रकार से सारा मलबा है। बिल्डिंग के पीछे ऊपर PMJSY की रोड है, खंचू टांडा रिखाकोट की रोड है और ये देखिए खिड़कियों से आ रहा है। मुझे यहाँ पर फोटो स्टेट मशीनें थी, कंप्यूटर था और ये अंदर से पानी आ रहा है। ये तो हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 36 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जहां एक ओर ग्रामीण इलाकों में धान की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं शहरी इलाकों में जल भराव से भारी नुकसान हो रहा है। पूरे जिले में 5 स्टेट हाईवे सहित 39 सड़कें पूरी तरह बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 20। तो पहाड़ों पर तबाही का तांडव तो आपने देख लिया, अब मैदानी इलाकों में किस तरह हाहाकार मचा हुआ है वो देखिए। कैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ से ओडिशा तक सैलाब ही सैलाब है। सड़कों पर पानी ही पानी है। गांव के गांव, शहर के शहर, हर तरफ नजर आ रहा है बाढ़ का कहर। देखिए बार बारिश का ये नजारा देश भर में आम है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। गांव के गांव डूब गए हैं। जिन शहरों की रफ्तार उनकी पहचान थी, वहां जिंदगी थम गई है। साहब, बाढ़ से नहीं कटाव से डर लगता है। ये कहानी हर उस प्रखंड की है जहां पर बाढ़ के साथ साथ कटाव भी तबाही मचा रहा है। तबाही का मंजर ऐसा होता है कि लोगों को अपना मकान खुद से तोड़ना पड़ता है। इतना ही नहीं, सारे सामान को खाली कर और ऊंची जगहों पर पलायन तक करना पड़ता है। मंजर ऐसा होता है कि कई बार लोग अपनी ईंट तक को नहीं बचा पाते और मां गंगा बड़े बड़े मकान तक को अपने आगोश में समा लेती है। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड के बाढ़ और कटाव हर साल तबाही मचाते, जिससे स्थानीय लोगों की जिंदगी बेहद कठिन हो जाती। देखे कैसे देखते ही देखते पूरी स्कूल की बिल्डिंग गंगा में समा जाती।